हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको टाइम फ्रीक और मिराज जैसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन किया था, जिसमें पास्ट अल्टरेशन जैसा कॉन्सेप्ट का यूज हुआ था। यानी कि सपोज करते हैं कि मैंने अपने पास्ट में कोई गलती की है और उस गलती को सुधारने के लिए मैं टाइम ट्रेवल करती हूँ, और मान लेते हैं कि मैंने वो पर्टिकुलर गलती सुधार भी दी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? मेरे पास्ट में बदलाव करने से एक नई टाइमलाइन की शुरुआत हो गई है, या फिर कह सकते हैं कि मेरे टाइम ट्रेवलिंग की वजह से एक नया पैरेलल यूनिवर्स ही क्रिएट हो गया हो। ये तो बात रही तब की, जब मेरे टाइम ट्रेवल से पास्ट में बदलाव हो सकता है। लेकिन जिस सीरीज का आज मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, वो प्रीडेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जिसमें टाइम ट्रेवल से किए जाने वाले बदलाव भी उसी टाइमलाइन का हिस्सा है जिसको हम जीते आ रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स, टाइम एक लीनियर एंटिटी है जिसमें कभी भी कोई भी बदलाव किया ही नहीं जा सकता। इस सीरीज में एक फ्रेज है जो की बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, अंत ही शुरुआत है, शुरुआत ही अंत। और जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे, इस फ्रेज का मतलब और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। सो फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, इसकी स्टोरी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। टाइम ट्रेवल का ऐसा माया जाल है कि पता नहीं चलता कौन से इवेंट कौन से टाइम में सेटअप किए गए हैं। बेसिकली इसकी कहानी 1953, 1986 और 2019 में सेटअप की गई है, मतलब कि इन तीन पर्टिकुलर डेट्स पे टाइम ट्रेवल किया गया है। तो गाइज, आप लोगों को ज्यादा दिमाग खराब ना हो, इसलिए मैं सीरीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही एक्सप्लेन करूंगी। यानी कि मैं लाइन से वो सारे इवेंट एक्सप्लेन करूंगी जो कि 1953 से 2019 तक घटित हुए हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन चार फैमिलीज के बारे में जान लेते हैं जो कि इस कहानी में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। डॉपलर्स, द निल्सन्स, कार्नवर्ल्ड्स और टाइडमेंट्स। कहानी शुरू होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन साइट से। साल चल रहा होता है 1953। इस न्यूक्लियर प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे हाथ होता है डॉपलर फैमिली का, जिसके मेंबर्स लिस्ट में आते हैं बर्नेट डॉपलर, ग्रेटा और हेज डॉपलर। आइगन टाइडमैन वाज अ पुलिस ऑफिसर जो कि न्यूक्लियर प्लांट की साइट पे मिले दो बच्चों की डेड बॉडी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। अपेरेंटली वो दो डेड बॉडी फ्यूचर के एरिक और येसिन की होती है। मीन टाइम एक फ्यूचर टाइम ट्रेवलर अल्रिच निल्सन भी इस टाइमलाइन में इंट्रोड्यूस होता है। मिस्टर अल्रिच अपने गुम हुए बेटे माइकल के खोज में गलती से 1953 में आ गए होते हैं, जबकि वो खुद 2019 से बिलोंग करते हैं। हियर इन 1953 ही हैपन टू मीट हिज ओन फादर टोरेंटो निल्सन एंड ग्रैंडमा एग्नेस निल्सन। मिस्टर अल्रिच अपने सराउंडिंग से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं होता कि वो टाइम ट्रेवल करके 66 इयर्स पास्ट में आ गए हैं। तो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो वॉचमेकर एचजी टेन हाउस से जाके मिलते हैं, बट उस समय के टेन हाउस को टाइम ट्रेवलिंग का कोई आइडिया नहीं होता। वहाँ पे मिस्टर अल्रिच की मुलाकात जैना और इंस कार्नवुड से होती है। जैना एक्चुअली में मिस्टर अल्रिच की माँ होती है। इंस के थ्रू मिस्टर अल्रिच को पता चलता है कि दो लड़कों की डेड बॉडी न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट पे मिली है। मिस्टर अल्रिच ये खबर सुनते ही वहां से चले जाते हैं और जल्दबाजी में अपना फोन मिस्टर टेन हाउस के पास ही छोड़ जाते हैं। आगे उन्हें पता चलता है कि इनमें से कोई भी डेड बॉडी उनकी बेटी माइकल की नहीं है, बट उन्हें जरूर पता लग जाता है कि हेज डॉपलर का ही इन्वॉल्वमेंट है माइकल के लापता होने के पीछे। सो मिस्टर अल्रिच यंग हेज डॉपलर के सर पर पत्थर मार के उसे मारने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी अनकॉन्शियस बॉडी बंकर में छोड़ आते हैं। मीनवाइल डॉपलर फैमिली हैज डॉपलर के लापता होने के चक्कर में काफी वरीड होते हैं। यहीं पे सीरीज के मेन एंटागोनिस्ट नोहा का इंट्रोडक्शन होता है। आइगन टाइडमैन और मिस्टर अल्रिच को अरेस्ट कर लेते हैं दो बच्चों के खून और हेज डॉपलर के किडनैप होने के जुर्म में। मिस्टर अल्रिच समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था, बट उनका एंटिसिपेशन पूरा गलत निकलता है, क्योंकि हेज डॉपलर अभी भी जिंदा होता है। मिस्टर अल्रिच की गलत फहमी थी कि वो फ्यूचर को बदल सकते हैं। मीनवाइल क्लाउडिया टाइडमैन जो कि 2052 से टाइम ट्रेवल करके 1953 में आई होती है, उनका मकसद होता है वॉचमेकर मिस्टर टेन हाउस को एक डिजाइन प्रोवाइड करना, जिसके हेल्प से वो टाइम ट्रेवल मशीन बनाएंगे। ऑन द अदर साइड हेज डॉपलर बंकर में लॉक्ड होता है। उसे एक पोर्टल दिखाई पड़ता है और इसी पोर्टल के थ्रू वो 33 साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाता है। 1986 की कहानी शुरू होती है मैट्स निल्सन के लापता होने से। मैट्स निल्सन असल में मिस्टर अल्रिच का छोटा भाई होता है। एट द वेरी सेम टाइम माइकल भी इस टाइम पीरियड में आ जाता है जो कि 2019 से बिलोंग करता है। अपेरेंटली मिस्टर अल्रिच माइकल की खोज में ही होते हैं, बट डिफरेंट टाइम पीरियड में।
इनिस कानवन वॉज अ नर्स जो कि लॉस्ट माइकल की हेल्प करती है और बाद में उसे अडॉप्ट भी कर लेती है। माइकल लेटर फेल इन लव विथ हैना एंड सरप्राइज सरप्राइज जॉनस माइकल का ही बेटा है। बट डॉपलर जिन्होंने कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कराया था वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वो अपनी पोजीशन क्लाउडिया टाइडमैन को सौंप दे जाते हैं। क्लाइडिया डॉटमैन वही लेडी है जिसका ग्लिम्स 1953 में दिखाया गया था, बट उस समय वो 2052 से बिलोंग करती थी। बट डॉपलर क्लाउडिया को वार्न करते हुए बताता है कि केव में एक एक्सीडेंट हो गया था जहां पे न्यूक्लियर वेस्ट डंप किया जाता है। एक्चुअली दिस वेरी एक्सीडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ वॉर्म होल, जिसकी वजह से केव के अंदर हिडन पोर्टल के थ्रू टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पा रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट 1986 इज द प्राइम डेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस ओमनियस इवेंट्स। वेल इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हेस डॉपलर भी पावर प्लांट में ही काम करता है जो कि 1953 में पोर्टल के थ्रू 1986 में आ गया था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे वो टाइम ट्रेवल करके अपने टाइम में वापस चला गया। टाइम ट्रेवलिंग का सिलसिला बस यही नहीं रुकता, जॉनस फ्रॉम 2019 भी टाइम ट्रेवल करके इस टाइम पीरियड में आ गया होता है। जोनस एक्चुअली माइकल को वापस अपने टाइम में ले जाने के लिए आया था, बट उसका फ्यूचर वर्जन उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि अगर वो माइकल को अपने टाइम में वापस ले गया तो वो कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज ही इज नो वन बट हिज ओन फादर। वही पिछले 33 साल से मिस्टर टेनहाउस टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में बिजी है, जिसका डिजाइन 1953 में क्लाउडिया टाइडमैन ने उन्हें दिया था। जैसे ही वो टाइम मशीन कंप्लीट करते हैं, फ्यूचर जोनस वहां उस मशीन को क्लेम करने आ जाता है। एक्चुअली फ्यूचर जोनस पास भी एक रेड टाइम मशीन होती है और वो वहां पे उसे फिक्स करवाने आया था। मिस्टर डेनहाउस पहले तो मना करते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो अपना टाइम मशीन उसे दे देते हैं जो कि अभी अभी तैयार हुआ था। इन्हीं सबके बीच 1986 हैश डॉपलर नोहा के साथ काम कर रहा होता है। इनका मकसद होता है बच्चों के ऊपर टाइम ट्रेवल प्रोटोटाइप का एक्सपेरिमेंट करा। इसी दौरान 2019 हैश डॉपलर भी 1986 में आ जाता है। वो अपने यंगर वर्जन को मनाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो गलत है और आगे जाके उसे पछतावा होगा। 1986 के हैश डॉपलर अपना फ्यूचर वर्जन की ऐसी बातें सुन के घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। वही 2019 जोनस एक बार फिर से कोशिश करता है अपने फादर उर्फ माइकल को वापस 2019 में ले जाने की, बट ही फाउंड माइकल अंडर द सुपरविजन ऑफ नोहा और फिर हैश डॉपलर जोनस को किडनैप करके बंकर में लॉक कर देता है। मीन टाइम उसका फ्यूचर 2052 वर्जन भी वहां पे आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, और फिर पास्ट में कोई बदलाव ना हो इसलिए वो अपने यंगर सेल्फ को वही बंकर में छोड़ के चला जाता है। अब चूंकि 2019 हैश डॉपलर खुद को गलत काम करने से रोकना चाहता था, इसलिए वो अपने 1986 वर्जन के साथ कार एक्सीडेंट कर देता है। बल उसका यंगर वर्जन तो नहीं मरता, इनफैक्ट वो खुद ही रेस्ट इन पीस हो जाता है। 2052 जोनस टाइम मशीन को टर्न ऑन करता है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द केव एंड टाइम पोर्टल, लेकिन 2052 जोनस को भी ये गलतफहमी रहती है कि वो पास्ट बदल सकता है, ठीक जैसे ही मिस्टर अल्ड्रिज ने हैश डॉपलर को मारते समय सोचा था। बट फैक्ट तो ये है कि 2052 जोनस के इस एक्ट की वजह से वो पर्टिकुलर टाइम पोर्टल क्रिएट हुआ है। इसके बाद ही पुरानी सारी हैपनिंग्स पॉसिबल हो पाती है, यानी कि 1953 में जब हैश डॉपलर बंकर में लॉक्ड होता है उसे यही पोर्टल दिखा था जिसकी वजह से 1986 में टाइम ट्रेवल कर पाया था। मीन टाइम जोनस भी उसी पोर्टल की वजह से फ्यूचर में पहुंच जाता है, फ्यूचर यानी कि 2052। तो डार्क सीरीज का फाइनल टाइम पीरियड होता है 2019, जिसे कि हम प्रेजेंट टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। तो 2019 की कहानी शुरू होती है 21 जून 2019 से। ये वो डेट है जिस दिन 43 इयर्स ओल्ड माइकल सुसाइड कर लेते हैं। जाते जाते उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा होता है जिसपे साफ साफ इंस्ट्रक्शन थे कि 4 नवंबर 10 बजे की 13 मिनट से पहले कोई भी इसे ओपन नहीं करेगा। सो ये नोट सबसे पहले माइकल मॉम को मिलता है, फिर उसके बाद 2052 जॉन्स को मिलता है। नेक्स्ट सीन 4 नवंबर 2019 का है, द सिग्निफिकेंट डेट जब माइकल ने सुसाइड नोट को ओपन करने को कहा था। वेल ऑन दिस वेरी डे अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एरिक के हिडन ड्रग्स को ढूंढने केव में आ जाते हैं। माइकल उसी दौरान खो जाता है और 1986 में पहुंच जाता है। वही स्कूल में जोनस अपने बेस्ट फ्रेंड बार्टो स्टाइडमैन से जेलस फील करता है, जो कि अपेरेंटली उसकी क्रश मार्था के साथ डेट कर रहा होता है। वेल देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मार्था माइकल की बिग सिस्टर होती है और जोनस माइकल का बेटा, तो मार्था जोनस की आंट हुई। वेल जब बात हो रही हो टैबू रिलेशनशिप की, तो हैना और अल्ड्रिज के अफेयर को कैसे भूल सकते हैं। एनीवे आउट ऑफ नोवेयर मैट्स निल्सन की बॉडी बंकर में अपीयर होती है, एंड मैट्स निल्सन वाज अल्ड्रिज ब्रदर जो कि 1986 में लापता हो गया था।
अलरिच और शार्लट जो कि पुलिस ऑफिसर होते हैं, वे दोनों मैट सिंसल की डेड बॉडी पाने पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। वही 2019 हैज डॉपलर को डिमेंशिया हो गया होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है। तब वो अपनी यंगर सेल्फ को रोकने के लिए पास में ट्रेवल करता है। मिस्टर अलरिच उस टाइम में 2019 हैज डॉपलर का पीछा करते हुए 1953 में पहुंच जाते हैं। मीन टाइम नोहा का ग्लिम्स 2019 में भी दिखाई पड़ता है। वेल, इस सीरीज में नोहा ही एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसका कोई फ्यूचर या यंग वर्जन नहीं है। हर एक टाइम पीरियड में वो सेम एज का दिखाई पड़ता है। इट सीम्स लाइक ही नोज एवरीथिंग अबाउट टाइम ट्रेवल, इट्स फ्यूचर एंड पास्ट। खैर, 2019 में नोहा एक कंपेनियन की खोज में होता है क्योंकि उसका एक्स हेंचमैन हैज डॉपलर अब किसी काम का नहीं होता। इसी खोज में नोहा बार्क टू स्टाइडमैन से मिलता है और उसे अपना एली बनाना चाहता है। वेल, देयर इज वन मोर पर्सन 2052, क्लाउडिया टाइडमैन, जो कि सब कुछ जानती थी और बहुत ही आसानी से वो अलग अलग पीरियड में टाइम ट्रेवल कर भी रही होती है। मोर ओवर फ्यूचर जोनर्स का भी फर्स्ट अपीयरेंस 2019 में दिखाई पड़ता है। फ्यूचर जोनर्स रेजिना टाइडमैन को एक पैकेज प्रोवाइड करता है और उन्हें कहता है कि ये पैकेज 2019 जोनर्स को देने के लिए। सो पैकेज के थ्रू 2019 जोनर्स को केव में जाने का हिंट मिलता है और केव के हिडन डोर के थ्रू वो 1986 में पहुंच जाता है। तो गाइस, 1986 के इवेंट्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सीजन 1 का एंड होता है 2019 जोनर्स के फ्यूचर में कदम रखने से। सो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस टू हैव अ लॉट ऑफ अनआंसर्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस लाइक हु इज नोहा, केव के अंदर आखिर दरवाजा किसने बनाया है, 2015 जोनर्स का आखिर क्या हुआ। तो गाइज, इन सारे सवालों के जवाब बेशक आपको सीजन 2 में मिल जाएंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्द करूंगी। और रही बात 33 साल वाले कॉन्सेप्ट की, तो इस सीरीज में ही इस पर्टिकुलर नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से माइथोलॉजिकल एग्जांपल दिए गए हैं। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा वैलिड लगा वो है ल्यूनर मून साइकिल, जो कि हर 33 साल बाद रिपीट होती है। सो गाइज, हियर एंड्स अवर वीडियो 2। नेक्स्ट वीडियो अबाउट टाइम की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पे होगी, तो कमेंट में लिखना अबाउट टाइम। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक और शेयर कर देना, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी मूवी फाइल, बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइज।